अगर आप भी ऑफिस गोइंग है या फिर बच्चों का स्कूल और सुबह उठते ही समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या बना डाले जो फटाफट से बन जाए और घर के ही सामान से बन जाए तो चलिए आज गेहूं के आटे से हम बनाने वाले हैं ऐसा ही हेल्दी चटपटा नाश्ता जिसे आप दो बूंद तेल में बना के झटपट तैयार कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप गेहूं का आटा लिया है उसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है और फिर देना है इसको मिक्स आप यहाँ पर पानी एकदम से ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उतना ही हमें यहाँ पर लेते जाना है क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि ये गेहूँ का आटा है तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे गुठलियाँ पड़ जाएँ जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको यहाँ पर मिक्स करते जाएं और सबसे बड़ी इस नाश्ते की यह बात है कि हमें इसको ना तो भिगोना है ना कोई रेस्ट देना है ज्यादा घंटों का या फिर कुछ पीसना है झटपट घोलो बनाओ और बना डालो इंस्टेंट वाला नाश्ता तो चलिए पानी की मुझे यहाँ पर कमी लग रही थी थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने दो से तीन बार यहाँ पर पानी ऐड कर दिया अब इसको मैं यहाँ पर मिक्स करना शुरू कर रही हूँ यानी कि इसको अच्छे से मैं यहाँ पर फेंट लूँगी और इसको बना लूँगी मैं एक लम्स फ्री यहाँ पर घोल तो घोल बनाते वक्त बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि पानी एक तो ज़्यादा ना हो जाए तो यहाँ पर आप बैटर की जो कंसिस्टेंसी है उसको बिल्कुल ध्यान में रखकर ही पानी ऐड करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर कितना पानी ऐड किया और क्या इस बैटर की कंसिस्टेंसी है ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का गोल चाहिए हमें ना तो ये ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला जैसे हम डोसा बनाने के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही अब इसमें हमें कोई दही इनो सोडा कुछ भी इसमें हमें ऐड नहीं करना है इसे रखते हैं एक साइड में कर लेते हैं दूसरा काम तो यहाँ सीधा मिक्सी जार लेंगे उसमें चार से पाँच मैंने यहाँ पर नॉर्मल खड़ी मिर्च होती है साबुत मिर्च वो डालेंगे और एक से डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है जो कम तीखे वाली होती है यानी कलर के लिए साथ में एक टमाटर है मीडियम साइज का जिसको मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है साथ में डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ऊपर से डालेंगे हम यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट यानी कि स्वाद अनुसार नमक अब हमें यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐसा और ऐड नहीं करना बस लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे अमचूर पाउडर और उसके बाद इसे करेंगे बंद और इसको अब हम यहाँ पर पीस लाएंगे तो ये देखिए इंस्टेंट वाली चटनी बनकर हमारी तैयार है कम चीज़ों से ज़्यादा बिना मेहनत इस नाश्ते के साथ ये चटनी एकदम परफेक्ट जाएगी आप चाहे इसको ऐसे ही खाएँ या फिर तड़का लगा लें छोटा सा तो यहाँ पर मैंने हल्का सा तेल गरम कर लिया उसमें डाल दिया काली सरसों आप जीरा भी डाल सकते हैं कुछ पत्ते मैं यहाँ पर कड़ी पत्ते के और एक मिर्च में यहाँ पर तोड़कर डाल रही हूं इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए भाई तड़के में आप अपने हिसाब से चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं या फिर इतनी ही चीज़ों से आप इसमें तड़का लगा भी देंगे ना तो आपको इसके सामने कोई भी चटनी पसंद नहीं आने वाली है इंस्टेंट चटनी एक बार इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं आपको ये कैसी लगी और आप ये रेसिपी या फिर ये चटनी कहाँ से बैठ देख रहे हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे नाश्ता बनाने के प्रोसेस पर तो इतने टाइम में हमने चटनी बनाई है इतने टाइम में हमारा ये जो बैटर रखा रखा रहा है इससे हमें ये फायदा हो गया कि ये अच्छे से स्मूथ हो गया है तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है पैन में मैंने दो टेबलस्पून ऑयल लिया है यानी कुकिंग ऑयल उसमें मैं एक चौथाई चम्मच काली सरसों डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच ही मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है एक चौथाई चम्मच ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ उड़द दाल जो हम उड़द दाल घरों में बनाते हैं वही सेम उड़द दाल है दोनों चीज़ों को अब हम यहाँ पर दोनों मीन्स मतलब चने की दाल और उड़द दाल क्योंकि सरसों तो हमारी पहले ही तड़क गई थी उसके बाद इन दोनों दालों को हम अच्छे से यहाँ पर तड़का लेंगे थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेंगे उसके बाद एक से दो हरी मिर्ची इसमें बारीक कट करके डालेंगे तीखेपन के लिए साथ में मैं यहाँ पर एक मीडियम प्याज यहाँ पर चॉप करके डाल रही हूँ अब इस प्याज को हमें ज़्यादा यहाँ पर भूनना या काला पीला नहीं करना है सिर्फ हल्का ही हमें इसको यहाँ पर पिंकिश करना है इतना ही हमें इसको यहाँ पर भूनना है और यकीन माने दोस्तों सुबह की भागम दौड़ में अगर आप भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और बिना बेले या घंटों घंटों खड़े हुए बिना अगर कुछ चटपटा हेल्दी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप इस नाश्ते को एक बार ट्राई जरूर करना साथ में ऊपर से मैंने मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता डाल दिया साथ, साथ पट्टे मैंने यहाँ पर बारीक कट करके डाले हैं आधा गाजर ले लिया है जिसको मैंने यहाँ पर मोटा ग्रेट करके डाला है गाजर ऑप्शनल है अगर आपको सीजन में मिल रही है तो डाल दे नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं खाली प्याज के साथ भी यह नाश्ता आप बना सकते हैं या फिर कोई अपनी मनपसंद इसमें वेजेज और भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जैसे आप पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं या शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से डाल रहे हैं हम यहाँ पर धनिया पत्ती बारीक कट कर कर साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक नमक ही डालना है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा मसाला नहीं जाना है यानी कम मसालों के साथ सा नाश्ता हमारा फटाफट पट से बन जाएगा अब यहाँ पर हमारी जितनी भी चीज़ें हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इन सारी चीज़ों को ज़्यादा गलाना भी नहीं है और जलाना भी नहीं है सिर्फ कम फ्लेम पर हमने इनको यहाँ पर एक से डेढ़ मिनट के लिए क्रंची कर लिया है सिर्फ क्रंची करना है यानी कि 50 परसेंट हमें इनको यहाँ पर पकाना है कुक करना है उसके बाद हमें इसको ठंडा करना है 50 परसेंट एकदम से गरम गरम आपको इसको आटे के घोल में ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो सारा जो नाश्ता है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा किया है एकदम से मैंने इसको इसके अंदर ऐड नहीं करा है तो 50 परसेंट ठंडा करने के बाद इसको इसके अंदर आप इस तरीके से मिलाकर अच्छे से मिक्स दे दीजिए ऊपर से हमें यहाँ पर ना कोई मसाला डालना है ना कोई इनो डालनी है ना दही डालनी है ना सोडा डालना है सुबह का इंस्टेंट वाला नाश्ता वो भी इतनी कम चीज़ों के साथ तो चलिए अब लेकर चलते हैं इसको गैस की तरफ फाइनली ये बैटर बनकर हमारा हो गया है तैयार तो यहाँ पर आप बैटर देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट बैटर हमें चाहिए तो सेम मैंने वही पेन ले लिया है जिसमें मैंने मिक्सचर बनाया था तो ये पहले से ही अच्छे से ग्रीस हो रखा था ऑयल में मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है दो छोटे चमचे बैटर मैंने इसमें इस तरीके से यहाँ पर डालकर फैला दिए आप चाहें तो इससे बड़े वाला पैन भी ले सकते हैं या फिर तवे पर भी इस नाश्ते को बना सकते हैं लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं पर उस पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा तेल लगेगा यानी ऑयल ज़्यादा लगेगा और नॉनस्टिक में बनाएंगे तो कम से कम तेल में आप इस नाश्ते को यहाँ बना सकते हैं ना टूटेगा ना फूटेगा अलट पलट के दो से तीन बार में आप इसको बढ़िया से यहाँ पर सेक लीजिए यानी बिल्कुल भी ये कच्चा ना रहे और आप इसका कलर देख सकते हैं अच्छे से हमारा नाश्ता कुक हो चुका है पक चुका है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है रंगत से ही पता लग रहा है ये देखिए और इसके साथ जो मैंने चटनी बनाई थी उसके साथ मैं इस नाश्ते को यहाँ पर सर्व कर रही हूँ चटनी भी इंस्टेंट है नाश्ता भी इंस्टेंट है दोनों छटपट बन जाएंगे तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पर आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ ये देखिए क्या पूरी क्या पराठा या फिर कोई सैंडविच आप इसको बनाएं खाएं पी एंजॉय करें और रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे डिफरेंट रेसिपीज के लिए तो मिलते हैं नई दिन नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग